नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में। आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में लाइव कोरोना का स्टेटस शो करवा सकते हो। तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो यहाँ पर आपको दोस्तों दिखाई देगा, अगर आप एक वर्डप्रेस यूज़र हैं तो आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में लाइव कोरोना वायरस का स्टेटस शो करवा सकते हो, जिसके अंदर आप शो करवा सकते हो कि कितने केस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर कितने केस रिकवर हो चुके हैं, कितनी डेथ हो चुकी, सब कुछ आसानी से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में शो करवा सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो इसके लिए आपको आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर एक प्लगइन ऐड करना है, बिल्कुल फ्री है, सिंपल। आपको जाना है आपकी वर्डप्रेस डैशबोर्ड में, प्लगइन में, इसके बाद एड न्यू प्लगइन, इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च प्लगइन के अंदर लिखना है कोरोना वायरस केस ट्रैकर। तो आपके सामने प्लगइन आएगा, इसको आपको इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपको ये प्लगइन को एक्टिव करना है। तो यहाँ पर ये प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है। इसके बाद इस प्लगइन को किस तरह से आपको यूज़ करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताया जाएगा कि किस तरह से आपको ये प्लगइन का यूज़ करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि आपके साइट के अंदर आप कोरोना का स्टेटस शो करवाना चाहते हो तो आपको ये शॉर्ट कोड का यूज़ करना पड़ेगा। सिंपल में इसको कॉपी करते हैं, इसके बाद इसको क्लोज करते हैं। आपको जाना है पेजेस के अंदर, ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक पेज ऐड करना है और पेज के अंदर आपको लाइव कोरोना का स्टेटस शो करवाना है। जैसे कि यहाँ पर ऐड टाइटल लिखा है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोरोना अपडेट। इसके बाद यहाँ पर आपने जो शॉर्ट कोड कॉपी किया है वो पेस्ट करना है। इसके बाद इस पेज को यहाँ पर हम पब्लिश कर देंगे। तो पेज पब्लिश हो चुका है, सिंपल। इस पेज को हम व्यू करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जो कोरोना का लाइव स्टेटस है वो हमारी साइट के अंदर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर ये जो सिंपल लेआउट है, इसके अंदर अगर आपको मॉडिफाई करना है तो हम फिर से जाएंगे, पेज को एडिट करेंगे, इसके बाद प्लगइन के अंदर जाके व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर सभी प्रकार के इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह से आपको एडवांस में इसको शो करवाना है। फॉर एग्जांपल, हमें क्या करना है कि जो जितने भी वर्ड के अंदर अलग अलग कंट्री मुताबिक हमें टेबल शो करवाना है, जिसके अंदर मुझे स्टेटस शो करवाना है कि क्या अभी स्टेटस है। तो नीचे आपको जाना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये शॉर्ट कोड का आपको यूज़ करना है, कॉपी करना है। इसके बाद यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए तो आप अपनी सिंगल पेज के अंदर टेबल फॉर्मेट में शो कर पाओगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर किस किस कंट्री के अंदर अभी कितने केसेस हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पर देखिए ये शॉर्ट कोड के अंदर मिस्टेक है। तो सिंपल यहाँ पर हम इसको अपडेट कर देते हैं, इसके बाद इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो टॉप 10 कंट्री है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो रिज़ल्ट आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आपको सबके बारे में दिखाई देगा, यह है टेबल फॉर्मेट। इसके अलावा भी इसके अंदर जो फॉर्मेट है व्यू प्लगइन डिटेल के अंदर, यहाँ पर आपको अगर आपको कंट्री वाइज शो करवाना है तो इसका भी यहाँ पर शॉर्ट कोड है। सिंपल आप इसे कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए तो आप यहाँ पर कंट्री वाइज भी जो इसका स्टेटस शो करवा सकते हो। इसका हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं और सिंपल यहाँ पर इसको अपडेट करते हैं तो ये US का शो करेगा स्टेटस। तो यहाँ पर रिजल्ट नहीं, मतलब कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो ये शॉर्ट कोड चेंज हो जाता है। तो आपको ये बहुत ही ध्यान देना है, करना पड़ेगा, इसके बाद ये सभी शॉर्ट कोड वर्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये शॉर्ट कोड यहाँ से यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन जैसे हम इसको कॉपी करते हैं तो एडिटर के अंदर चेंज हो जाते हैं। आपको जस्ट इसको मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पर आपको देखा देगा ये US का है। इसके बाद इंडिया का अगर हमें चाहिए तो ये US का कोड है, वहाँ पर हम लिखेंगे इन, इसके बाद इसको अपडेट करेंगे। इसके बाद इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको देखा देगा कि इंडिया के अंदर कितने टोटल केसेस हैं, कितने रिकवर हो चुके हैं, सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस प्रकार का ग्राफिकल मैप के साथ जो रिजल्ट शो करवाना है तो आपको इस प्लगइन को परचेज करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप अपने सिंगल पोस्ट के अंदर टेबल फॉर्मेट में शो करवा तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर भी अगर आपको परचेस करके इस प्रकार का जो ग्राफिकल लेआउट शो करवाना है
तो ये प्लगइन अवेलेबल है यहाँ पर आपको देखे देगा $19 में। तो इसे आप परचेस करके इस प्रकार का लेआउट भी ला सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।